व्यू बनाना कैसे, उस पर हम लोग थोड़ा बहुत 5 मिनट डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो द टाइम फ्रेम्स यू हैव टू वॉच इज 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको सबसे पहले गाइस व्यू बनाना है कि मार्केट कौन से फेस से आई है। सी ये बात, ये एक लाइन है, वो अपने माइंड में रखना, मार्केट कौन से फेस से आई है, इसके बाद कौन सा फेस आता है एंड इसके बाद कौन सा फेस दोबारा आता है, ओके। सो इसको मैं फिल इन करता हूं, मार्केट साइडवेज मार्केट से आई है, साइडवेज के बाद डायरेक्शनल मार्केट होती है, डायरेक्शनल के बाद दोबारा साइडवेज मार्केट होती है। इसको मैं अगर थोड़ा सा इंप्रोवाइज करूं तो आपको एक बेटर क्लियरिटी के साथ एक डायग्राम मिलेगा, इसको लिख लो, साइडवेज मार्केट, डायरेक्शनल मार्केट, साइडवेज मार्केट। मार्केट हमेशा लाइफ टाइम, मे बी इन 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 10 वीक, 320 वीक, इन्फिनिटी माइनस 1 वीक, हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहेगी, मार्केट हमेशा साइडवेज नहीं रहेगी। सो इट विल बी साइडवेज, देन डायरेक्शनल, देन साइडवेज, देन डायरेक्शनल, देन साइडवेज, देन डायरेक्शनल। सो मार्केट को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मार्केट साइडवेज है या फिर डायरेक्शनल है। अगर ये पहचान लिया तो आइदर इट इज इक्विटी, आइदर इट इज डायरेक्शनल व्यू, आइदर इट इज लाइक स्ट्रेटजीज, इक्विटी स्ट्रेटजीज, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, साइडवेज ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग और साइडवेज ऑप्शन बाइंग होती नहीं है, और मे बी कुछ भी कह लो, 3 लेग स्ट्रेटजीज, 4 लेग स्ट्रेटजीज, जो अपनी पोजीशन है, दिस वन, दिस इज 4 लेग स्ट्रेटजीज, ओके, मतलब 4 लेग हमारे पास, 2 लेग स्ट्रेटजीज कौन सी बनानी है आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू हैव अ व्यू, ओके। सो पहला व्यू बनाना, ओके, सबसे पहला एक व्यू बनाना चाहिए, फिर सेकंड आइडेंटिफाई कि मुझे इस व्यू के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। इट इज नॉट ऐसे फुद्दू वाला काम नहीं है कि कल को आके स्ट्रेटजी बना दिया, परसों मेरा मन कर रहा तो मैंने डायरेक्शन प्ले कर लिया, नहीं। अगर व्यू ही नहीं पता तो स्ट्रेटजी डिजाइन क्यों करी, ओके। सबसे पहले व्यू बनाना है, व्यू के हिसाब से स्ट्रेटजी डायरेक्शन प्ले करनी है, स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है। ऐसे नहीं कि पहले स्ट्रेटजी डिजाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू योर मूड, फिर आपने व्यू बनाया, ओके यार मैंने तो साइडवेज प्लान कर लिया, अब ये डायरेक्शन हो गया, तो वो आपकी गलती है, बिकॉज आपने पहले व्यू ही नहीं बनाया, ओके। सो लेट्स मेक अ व्यू कि अभी व्यू चल क्या रहा है, अभी मतलब व्यू हो क्या सकता है, ओके। सौरभ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ओके। सो या इन द चैट बॉक्स, सी दिस वॉज प्रॉपर साइडवेज मार्केट, दिस वॉज प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट, अगेन प्रॉपर साइडवेज मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 आवर टाइम फ्रेम गाइस। अब 1 आवर के अंदर अंदर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड्स चेंज हो सकते हैं, ओके। अगेन प्रॉपर डायरेक्शनल, मतलब प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, साइडवेज के बाद डायरेक्शनल, डायरेक्शनल के बाद साइडवेज। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि डायरेक्शनल हो चुका, अब कौन सी आएगी, जल्दी से मुझे फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताओ, डायरेक्शनल हो चुका, विच इज हमने ये भी ट्रेड किया था 34,800, आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं मैं, ऊपर जाके देखना, 34,800 हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, प्रॉपर पूरा गैप फिलिंग एंजॉय करी थी 1000 पॉइंट्स की, ओके। सो मेक श्योर आप लोग को वो भी याद हो, उस वक्त हम लोग साइडवेज नहीं थे, हम लोग डायरेक्शनल थे, ओके। अब हम लोग डायरेक्शनल के बाद, अब बहुत सारे लोग को लगता है यहाँ पे गाइस कि ओके मार्केट ऊपर चला गया इतना, वो लोग यहाँ पे कॉल खरीदते हैं सोचकर कि मार्केट और ऊपर जाएगा। मेरे भाई, डायरेक्शनल हो चुका, अब मार्केट साइडवेज रहेगा, फिर साइडवेज में वो पैसा बर्बाद कर देते हैं, फिर डायरेक्शन होता है तो वो ये मूव मिस कर देते हैं, फिर वो यहाँ पे आते हैं पैसा और लेकर, थिंकिंग कि यहाँ लेते हैं तो मार्केट और ऊपर जाएगा। मेरे भाई, ये हो चुका, अब वापस मार्केट साइडवेज रहेगा, एंड द साइकिल कीप्स गोइंग, कीप्स गोइंग, एंड वो यहीं पर ही, वो डायरेक्शनल व्यू नहीं बना पाते, मेरी वो स्ट्रेटजी ही नहीं बना पाते, स्ट्रेटजी ऑफ थिंकिंग कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबने आंसर दिया कि साइडवेज मार्केट आएगा। अब व्यू बन गया, बहुत ध्यान सुनना, व्यू बन गया, अब हमें डिजाइन करना है कि ओके व्यू इज दिस, मतलब साइडवेज व्यू है। अब मेरे को साइडवेज की जितनी स्ट्रेटजीज होती है मेरे बास्केट में, जितनी स्ट्रेटजी साइडवेज की है उसको मैं उठाऊंगा और मैं अप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट, ओके। मैंने आपके साथ कल अप्लाई किया, अब साइडवेज मार्केट का व्यू है तो साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटजीज ऑप्शंस की क्या क्या होती है, स्ट्रैडल बना सकते हो, स्ट्रैंगल बना सकते हो, 4 लेग स्ट्रैंगल, 4 लेग स्ट्रैडल, ठीक है, मतलब आप लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना सकते हो, ओके। उसको आई थिंक आयरन फ्लाई भी कहते हैं, सो नाम बहुत सारे हैं उसके, 4 लेग में कहते हो, 4 लेग स्ट्रैटजीज आप लोग भी कह सकते हो। पॉइंट इज कि आप लोग अब साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटजीज अप्लाई करोगे, अपनी बास्केट में से उठाओगे साइडवेज मार्केट और मार्केट में लगा दोगे, व्हाई, बिकॉज व्यू क्या था, साइडवेज। इस टाइम हम लोग डायरेक्शनल मार्केट की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, 3 लेग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, नेकेड बाइंग कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, नीचे का कॉल पुट शॉर्ट पुट बाय कर सकते हैं, उसको हेज करके हम लोग डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि व्यू क्या है, डायरेक्शनल, व्हाई, बिकॉज साइडवेज मार्केट खत्म हो गई, साइडवेज के बाद क्या आता है, डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन के बाद क्या आता है, साइडवेज आता है, साइडवेज के बाद क्या आता है, फिर डायरेक्शन आता है, ऐसे आपको प्लान करना है, एंड आई होप ये वाली लर्निंग आपकी लाइफ टाइम चलने वाली है, बिकॉज कोई भूलेगा नहीं इसको,